हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि येस बैंक में हम अपना मोबाइल नंबर अपडेट और चेंज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे करना है आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट, और आपको ऑफलाइन कैसे मोबाइल नंबर को अपडेट और चेंज कर सकते हो। तो दोनों प्रोसेस जानेंगे और आपको ये वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, इसमें स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते तो फ्रेंड्स बहुत सारे इसमें ऐसे फ्रेंड्स बताए हो कि वो मिस कर देते हो और आपका अपडेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहती है। तो दोस्तों, हम पहले आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो ऑनलाइन आपको अपने जीमेल से करना है रिक्वेस्ट। तो हमें अपने जीमेल में जाना है फ्रेंड्स। तो आपका कोई भी अकाउंट हो, उसके अंदर जीमेल होगा, उससे आप ईमेल कर सकते हो। आपको क्या करना है, जीमेल में जाके कॉम्पोज पे क्लिक करना है और टू सब्जेक्ट और कॉम्पोज, यहाँ हमको तीन सेक्शन दिख रहे हैं तो हमें कॉम्पोज ईमेल में पहले लिखना है, बाद में दोनों उसमें हम लिखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको पहले ग्रीटिंग लिखना है, जैसे आप बैंक को लेटर लिखते हो वैसा सेम टू सेम आपको प्रोसेस यहाँ करना है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा नेम लिखेंगे। तो पहले आपको ये सब लिख लेना है और नीचे आपको एक लाइन छोड़ के अपना नेम लिखना है। तो यहाँ आपका नेम आएगा, तो जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ एंटर कर लेना है। तो आपका सरनेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये तीनों रहना चाहिए। अगर ये तीनों में से कुछ भी मिस होता है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाती है बैंक की तरफ से, इसलिए आपको तीनों रहना चाहिए। और इसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है, ओल्ड मोबाइल नंबर जो होता है हमारा वो डालना है। अगर आपको ओल्ड नंबर है नहीं, याद नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, कस्टमर आईडी भी डालोगे तो चलेगा फ्रेंड्स, कस्टमर आईडी डाल लेना उसकी जगह। तो यहाँ मैं अपना ओल्ड मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, जिसको हमको हटा के दूसरा चेंज करना है। तो ओल्ड आएगा, अब यहाँ हमारा मोबाइल नंबर टू अपडेट लिखना है आपको, जो मोबाइल अब न्यू अपडेट करना चाहते हो आप अकाउंट में आपके, वो आपको यहाँ लिखना है मोबाइल नंबर टू अपडेट, पहले ऐसा लिख लेना है, फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है आपको। तो पहले आप लिख लीजिए मोबाइल नंबर टू अपडेट, फिर उसके आगे आपका मोबाइल नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। तो आपको अपना मोबाइल नंबर जब भी डालते हो ध्यान रख के उसको देख के डालने का है, और एक बार उसको चेक कर लेना है आपने सही से मोबाइल नंबर डाला है कि नहीं। अब एक लाइन छोड़ के हमें अपना एक रिक्वेस्ट लिखना है, प्लीज़ चेंज माई मोबाइल नंबर इन माई अकाउंट। तो आपको ऐसा लिख लेना है, प्लीज़ चेंज माई मोबाइल नंबर इन माई अकाउंट। अब हमने जो सब्जेक्ट में खाली छोड़ा था सब्जेक्ट जाके लिखेंगे फ्रेंड्स। तो आपको सब्जेक्ट में जाना है, इतना लिखने के बाद प्लीज़ चेंज माई मोबाइल नंबर इन अकाउंट लिखने के बाद यहाँ लिखना है मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट। तो सब्जेक्ट में आप लिखोगे मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो फ्रेंड्स आपको जो लैंग्वेज आती है उसमें भी ये जैसा हमने लिखा है वैसा लिख के सेंड कर सकते हो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट, और टू के अंदर हमारा ईमेल आईडी आएगा। तो यहाँ हमारा येस बैंक का ईमेल आईडी होता है, जो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको लेना है, बाकी कहीं जगह से नहीं लाना है, लेना है। तो यहाँ अलाउड नहीं है ईमेल आईडी प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए मैं इसको हाइड कर दूंगा और इसको सेंड कर देता हूँ फ्रेंड्स। मैंने ईमेल आईडी डाल दिया हूँ, पर आपको याद रखिए ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल ऐप से ले सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगी कस्टमर केयर की ईमेल आईडी। यहाँ मैंने सेंड कर दिया फ्रेंड्स। जैसे आपका सेंड होगा फ्रेंड्स, देखिए ऐसा आ जाता है आपका एक कन्फर्मेशन ईमेल आपको येस बैंक की तरफ से, और कन्फर्मेशन ईमेल मतलब आपका उधर चले गया है, आपने जो ईमेल किया है वो पहुंच गया, तो डायरेक्ट आ जाता है। कभी कभार बहुत टाइम लगता है, आधे से एक घंटा भी लग सकता है, एक दिन भी लग सकता है, तो आपको वेट करना होगा जब तक उनकी तरफ से मैसेज नहीं आता है। तो ये आपको दो से तीन दिन के अंदर फ्रेंड्स जो प्रोसेस करेंगे, और इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, इसमें टाइम लगता है 7 से 8 दिन लग जाएगा। अगर आप यही प्रोसेस ऑफलाइन करते हो तो वहाँ आपका जल्दी से अपडेट हो जाता है, वहाँ आपका 2 दिन के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आपको ब्रांच में जाना है, वहाँ उनको बोलना है कि हमें अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है। वहाँ आपको एक फॉर्म देते हो, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका उनको देना है रिटर्न, और वो आपका मोबाइल नंबर 2 दिन के अंदर अपडेट कर देते हैं। तो ब्रांच में जाओगे तो आपका 2 दिन के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट करके मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन करते हो, यहाँ आपको
8 से 10 दिन लग जाता है, 7 दिन 8 दिन 10 दिन कुछ भी लग सकता है। इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ब्रांच में जाइए, वहाँ से करोगे तो जल्दी 2 दिन में हो जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन करना तो ऑनलाइन भी हो जाएगा। तो आपको जैसा करना है करिए फ्रेंड्स। ये वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।